मैंने रिसेंटली कैपजीमिनी का इंटरव्यू दिया था, जो जावा और रिएक्ट का रिक्वायरमेंट था। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था रिज्यूमे सिलेक्शन होने से लेकर और फाइनल डिसीजन तक, तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट में मैंने Naukri.com पे मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट किया था, पूरा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हर चीज़। तो उसके बाद वहाँ से एक कॉल आता है एचआर का, कैपजेमिनी के एचआर का, और नॉर्मल डिस्कशन होता है नोटिस पीरियड एक्सपीरियंस ये सब रिलेटेड। उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है, वो टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है, और टेक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड जावा बेस्ड और रिएक्ट बेस्ड। सो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो इस पर्पज से बना रहा हूँ कि किसी को हेल्प मिल सके। तो बेसिकली जावा से स्टार्ट किया था, और जावा में मेनली DSA के थ्रू वो मेरा जावा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वो चेक कर रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन टू सम प्रॉब्लम नाम से फेमस है लीड कोड पे। तो वो क्वेश्चन था जो कि एक गिवेन एरे था और एक टारगेट भी गिवेन था, तो उस दो एलिमेंट का सम उस टारगेट के इक्वल होगा, तो जो दोनों एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करना था। और ये मैंने कर दिया इम्प्लीमेंटेशन भी और एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग। सेकेंड क्वेश्चन था कि दो स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग का सबसिक्वेंसेस है या नहीं वो बताना था। तो इस सेकेंड क्वेश्चन में लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया, और उसने बोला कि ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो उसके बाद ये दो क्वेश्चन DSA से पूछा, और उसने इसके थ्रू मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चेक कर लिया। उसके बाद आता है फ्रंट एंड पे रिएक्ट जेस पे। तो रिएक्ट जेस में बेसिकली पूछा कि रिएक्ट जेस है क्या, उसके बाद पूछा कि कितने कौन कौन सा हुक्स यूज किए हो, वो सब मैं बताया जो हुक्स यूज किया था। उसने पूछा कि यूज रिड्यूसर के बारे में पूछा कि कैसे ये वर्क करता है, क्या है, क्यों, किस तरह से वर्क करता है, तो ये पूछा। उसके बाद पूछा कि यूज मेमो के बारे में पूछा, कैसे लाइक रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं इसके थ्रू, तो वो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद पूछा कि यूज रेप क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो यूज रेप में मैं एक्सप्लेन कर पाया था, बट एक और कुछ था जो वो जानना चाह रहा था, वो मैं बता नहीं पाया, लेकिन ओके था। उसके बाद वो पूछा रिडक्स के बारे में कि हाँ रिडक्स क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसका आर्किटेक्चर पूछा, तो मैंने एक्सप्लेन किया अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, और वो उसमें ओके था फिर भी। उसके बाद वो पूछा था कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट और प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में पूछा, और रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं ये भी पूछा। तो ये सब बेसिकली जो भी रिएक्ट जेएस में क्वेश्चन था सब थ्योरेटिकल बेस्ड था, कोई इम्प्लीमेंटेशन उसका पूछा नहीं था, लेकिन मैं यूजुअली एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के साथ, तो ज़्यादा क्लैरिटी होता है इसके वजह से। तो जो भी क्वेश्चन था मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों का, जावा प्लस रिएक्ट का। बेसिकली इसका रिक्वायरमेंट ही था जावा और ये कह सकते हैं कि एज ए फुल स्टैक कह सकते हैं। तो ये इंटरव्यू हुआ, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था इंटरव्यू के दौरान मुझे ओवरऑल अच्छा ही था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम लगा, रिस्पांस नहीं आ रहा था, मैंने एक HR को कॉल किया, तो HR बोली कि रिस्पांस तुम्हारा पॉजिटिव है, बट अभी करंटली होल्ड पे है, तो कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो मैंने वेट किया। उसके बाद एक HR का कॉल आता है, जो HR ऑपरेटर वगैरह बनाती होगी उस कंपनी में, तो वो बोली कि फाइनली तुम्हारा एप्लीकेशन आगे मूव कर रहा है, और हम लोग फाइनली ऑफर प्रोवाइड करने के लिए ये फाइनल कॉल है। तो उसने बताई कि पूछी कि क्या तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है, मैंने बताया जो नॉर्मली जो हाइक मांगता है लोग 30-40% मैंने बताया, और वो काफ़ी हैप्पी था मैं थी, क्योंकि मेरा फीडबैक अच्छा मिला था टेक्निकल जो भी इंटरव्यू लिया था उससे। तो उसने बताया कि ठीक है, हम लोग इससे बेटर ऑफर प्रोवाइड करेंगे 60%,
और वो फिक्स होगा। उसके बाद भी हम लोग एक्स्ट्रा अलाउंस देंगे, जैसे कि रिलोकेट करने का जो भी एक्सपेंसेस होगा, और 90 डेज का नोटिस पीरियड है, उससे जितने दिन पहले आएगा उसका अलग से एक्स्ट्रा हम लोग पेमेंट करेंगे अलग एक्स्ट्रा। तो ये सब और भी कुछ बेनिफिट्स बता रही थी, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है। ठीक है, तो फाइनली उसके बाद वो मेरा ऑपरेटर उस समय बनाई और बोली कि ये विद इन दिस वीक ये अप्रूवल होगा और उसके बाद ये मिलेगा। तो उसके बाद काफ़ी टाइम लगा, मुझे ऑपरेटर मिला भी नहीं, कोई नहीं। लेकिन उसके बाद ये कॉल आता है किसी प्रोजेक्ट का मैनेजर का, जो जिसमें मैं मुझे ये लोग डिप्लॉय करना चाह रहा था। उसके बाद वो बोला कि ये ऋषि तुम्हारा एक कॉल रखना होगा, क्लाइंट के साथ डिस्कशन होगा, टेक्निकल नॉर्मल डिस्कशन होगा। तो डिस्कशन हुआ नॉर्मली, वो यूएसए का क्लाइंट था और नॉर्मली डिस्कशन हुआ कि कैसे क्या वर्क एक्सपीरियंस, और रिएक्ट से कुछ टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह भी पूछे, तो टेक्निकल में मेरे को प्रॉब्लम तो हुआ नहीं था पहले भी। तो फाइनली हुआ आधे घंटे का, और उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स काफ़ी लेट हुआ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, पता नहीं जो भी हो, अभी तक वेटिंग में ही है। लेकिन हाँ, ओवरऑल इससे बेटर ऑफर मुझे मिल चुका है इन्फोसिस में। तो फाइनली मैं डिसीजन बनाया कि इन्फोसिस ही ज्वाइन करूँ, इसका बाद में आए फिर भी। तो मैं ये वीडियो बनाया इसलिए कि हो सके किसी और का एक्सपीरियंस ये काम आए।